हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे। एंड लास्ट सेशन में हमने किया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड इससे पहले हमने किया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डिसेंट्रलाइजेशन किया। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, ये दोनों सेम हैं लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो आज हम अपने इस सेशन में करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेलीगेशन है इसका मीनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये हमने सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप इसकी स्टडी करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब करते हैं हम इसका डिफरेंस। तो हेयर वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ द डिफरेंस एंड वी हेयर टेकिंग डेलीगेशन एंड हेयर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, इनका मीनिंग क्या है? जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं, डेलीगेशन में क्या था, टॉप मैनेजमेंट है, इसके पास ही सभी पावर्स हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से क्या करती है, अथॉरिटी को डेलीगेट करती है, अथॉरिटी को ट्रांसफर करती है। तो मीनिंग क्या हो गया? पासिंग डाउन द अथॉरिटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं? हम अथॉरिटी को पासिंग डाउन कर रहे हैं। जैसे हायरार्की है, इस हायरार्की में टॉप मैनेजमेंट के पास जितनी भी अथॉरिटी है वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो डाउनवर्ड मैनेजर्स हैं इनको अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो हो गया पासिंग डाउन। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी की तरफ अथॉरिटी क्या हो रही है, जे ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। एंड जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स अमंग ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी पावर्स को स्प्रेड किया गया है। इसमें जो पावर्स हैं, जैसे हायरार्की है, हायरार्की में ए लेवल है टॉप मैनेजमेंट, इसके अपनी पावर्स हैं, जो इसके डाउनवर्ड बी लेवल है इसकी अपनी पावर्स हैं, सी के पास अपनी पावर्स हैं, डी के पास अपनी पावर्स हैं। तो जो पावर है, पावर को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसमें डिवीजन होगी, सिस्टेमैटिक डिवीजन। लेकिन इसमें जो टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है उसने अपनी मर्जी से पावर को ट्रांसफर किया है, इसमें ट्रांसफर नहीं हुई है, इसमें पावर को डिवाइड किया गया है सिस्टेमैटिक एंड इवन मैनर में। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, अपने जो काम थे अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देती है, साथ में अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। तो डेलीगेशन तो काम की होगी, लेकिन क्या जो टॉप मैनेजमेंट का मेंबर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? क्या वो सबॉर्डिनेट है, उसने जो भी काम किया उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? तो हर एक काम के लिए टॉप मैनेजमेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ए पर्सन ने बी को अथॉरिटी डेलीगेट की, वर्क डेलीगेट किया, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल ए के पास ही रहती है। तो ऐसे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट है वो अपने हर एक एक्शन के लिए, अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी लेवल है, अपना काम कर रहा है, तो जो उसने डिसीजन लिए हैं उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनको कितनी फ्रीडम मिलती है? डेलीगेशन में कोई फ्रीडम नहीं मिलती, इसमें जैसे सुपीरियर कहते हैं वैसे ही काम करना पड़ता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, अगर हम लोअर लेवल पर हैं तो जो हमारा सुपीरियर हमको काम करने को कह रहा है, जैसे करने को कह रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो इसमें जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट के पास अपनी पावर्स नहीं होती, अपनी डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। लेकिन
डिसेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेट हैं, उसके पास अपनी फ्रीडम है, उसने जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी काम करने हैं उसके लिए वो फ्री होता है, क्योंकि वो अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। एंड जो डिवीजन की गई है पावर, तो उसकी अथॉरिटी के अंडर आती है, किसी ने उसको अपनी मर्जी से नहीं दी है, तो जो पॉलिसी के अंडर उसको पावर मिली है तो इसके लिए वो फ्री होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन हम कब करते हैं, जो रूटीन वर्क होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल की अथॉरिटी है वो सारे काम खुद नहीं कर सकती है, इसीलिए सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर्स है, कुछ वर्क है असाइन कर देती है, कहती है जो डेली रूटीन का काम है इसको आप हैंडल करो। तो ये क्या हो गया, रूटीन वर्क एंड रेपिटेटिव वर्क। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है, हर एक लेवल पर हर एक मैनेजर को, हर एक सबॉर्डिनेट को पता है कि मैंने कौन सा डिसीजन लेना है, तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हर एक लेवल पर लिए जाते हैं, इसमें कोई भी अननेसेसरी या रेपिटेटिव वर्क है वो ही डिसीजन लिए जाएंगे, चाहे कोई मैटर है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसकी अथॉरिटी के अंडर आता है वो ही डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में जो अथॉरिटी ग्रांट की जाती है वो इंडिविजुअल बेसिस पर होती है। मान लो ए बॉस है, इसने क्या किया, बी को वर्क असाइन कर दिया, अब इसके पास वर्क है लेकिन काम करने के लिए इसको अथॉरिटी की पावर की जरूरत है, तो अगर ए को लगता है बी इंडिविजुअल है जो बहुत एफिशिएंट है, तो मुझको इसको अथॉरिटी को ग्रांट करना चाहिए। तो ए ने बी को जो अथॉरिटी डेलीगेट की है वो किस बेस पर की है, इंडिविजुअल बेसिस पर की है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है, अथॉरिटी है, सिस्टेमैटिक एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल बेस पर नहीं हो रही, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी मैनेजमेंट की हायरार्की बनी है, ए के पास जो अथॉरिटी है, बी के पास जो अथॉरिटी है, सी के पास जो अथॉरिटी है, जैसी जितनी अथॉरिटी इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग है इनको वो ही दी जा रही है, तो इसमें कोई भी अथॉरिटी ग्रांट इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं होती है। नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री का मीनिंग क्या हो गया, कि जैसे हम वर्क असाइन करते हैं, हम अथॉरिटी असाइन करते हैं, वो किस डिग्री की होती है, तो जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में ये वेरी करती है फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, कौन सा इशू है, कौन सा मैटर है। अगर मैटर बहुत बड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां पर बहुत कम अथॉरिटी है डेलीगेट की जाती है, एंड ये डिफरेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करती है। हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा अथॉरिटी डेलीगेट की जाए, किसी में कम की जाए, तो ये क्या है, डिग्री बन जाती है कि डेलीगेशन कितनी क्वांटिटी में हम डेलीगेट कर रहे हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, इट इज टोटल बाय नेचर स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे इक्वल वे से इसको स्प्रेड किया जाता है, इसमें मैटर टू मैटर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट इज सूटेबल। जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन आज के टाइम में सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर स्मॉल और लार्ज, कितना ही छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, डेलीगेशन होती ही होती है। इवन कि अगर हम अपने घर की बात करते हैं, हमारे घर में भी अगर हम कहें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके पास अथॉरिटी है, लेकिन जब वो आपको कोई काम असाइन करते हैं तो वर्क के साथ साथ आपको अथॉरिटी भी डेलीगेट करते हैं, तो हमारे घर में भी अथॉरिटी डेलीगेट होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एक में अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें ही सूटेबल होती है। नेक्स्ट इज नीड। जो डेलीगेशन है, इसके आज के टाइम में बहुत जरूरत है। डेलीगेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ कंसर्न, चाहे कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई छोटे से छोटा मैटर हो, बड़े से बड़ा मैटर हो, हर एक में क्या होती है, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है। इवन कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर्थ इम्प्लाइज होते हैं, तो इनमें भी आगे अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। तो इस तरह हर एक मैटर में बहुत ज़्यादा जरूरत बन जाती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो डिसीजनल
फंक्शन बाय नेचर है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो हम अथॉरिटी है, अथॉरिटी को किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अथॉरिटी को हम दे रहे हैं, तो इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि हर एक लेवल पर हमने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। नेक्स्ट इज विड्रॉल, कि जो डेलीगेशन की गई है हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो पावर दी गई है, अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक एट एनी टाइम, इसको विड्रॉ किया जा सकता है। अगर ए बॉस को लगता है बी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इसे अथॉरिटी लेकर वो सी को भी डेलीगेट कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन है, मुझे किसी ने ट्रांसफर नहीं की है जी, मेरी अपनी खुद की पावर है जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिटरमिन हुई है। तो ये क्या होगी, जनरल पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड एप्लीकेबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स, इसीलिए इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज सिग्निफिकेंस, जो डेलीगेशन है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना चाहते हो, अगर उसमें कहो कि मैं ही सभी डिसीजन लूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, इट इज द ऑप्शनल पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें हो सकता है मैनेजमेंट सेंट्रलाइज हो, जी कंपल्सरी तो नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। इसीलिए जे क्या बन जाती है, ऑप्शनल पॉलिसी बन जाती है। तो इस तरह डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस बेस पर हम इनको अलग अलग प्रिंसिपल्स कहते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विद दिस हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है जे कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।